हाय स्टूडेंट्स गुड इवनिंग आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन के एंड टी हाफ रिलेशन बिटवीन के एंड टी हाफ का मतलब होता है के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट एंड टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ पीरियड इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट और ये रेट कांस्टेंट जीरो आर्डर रिएक्शन फर्स्ट आर्डर रिएक्शन सेकेंड आर्डर रिएक्शन थर्ड आर्डर रिएक्शन किसी के लिए निकाल सकते हैं लेकिन हम रिलेशन बिटवीन के एंड टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर आज देखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड में रिलेशन देखेंगे व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में जितना समय लेता है वही उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है जिसे हम टी हाफ से डिनोट करते हैं अब चलते हैं कैसे करेंगे वी नो दैट अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो के का फार्मूला होता है के इज टू होता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी इनटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस टेन वेर हम ये कह सकते हैं ए इज टू क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स क्या होगा रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी आफ्टर टाइम टी और टी इज इक्वल टू टाइम के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट तो अगर हम लिखते हैं इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ ध्यान देंगे अगर t की वैल्यू t हाफ हो जाएगी यानी कि जो समय है वो उसके हाफ लाइफ पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वह a बाई टू हो जाएगी इज इट तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर वन माने तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या होगा k इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपान टी को मैंने टी हाफ में कन्वर्ट कर दिया इन टू लॉग ए अपान ए माइनस ए बाई टू यानी हो जाएगा ए माइनस ए बाई टू यहाँ हम इसका का कैलकुलेशन देखते हैं तो के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपान टी हाफ इन टू लॉग ए अपान ए अपान टू ठीक है लाग ए अपन ए बाई टू हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपन टी हाफ इंटू ये हो गया लाग टू बेस टेन दिस इज द वैल्यू ऑफ के तो के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपन टी हाफ इंटू लाग टू की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ज़ीरो ठीक है ना इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको फाइनल जो रिलेशन मिलेगा होगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाई टी हाफ गौर से देखेंगे ये हमको रिलेशन मिला दिस इज द रिलेशन बिटवीन के मतलब रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट आर्डर इन योर माइंड दिस रिलेशन इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज एवरेज लाइफ पीरियड Thank you so much for